हाँ जी बिल्कुल, बर्फ़ारी का सिलसिला भी जारी है और जब भी बलाई इलाकों में बर्फ़ारी होती है तो यहाँ की सड़कें जो है बंद हो जाती है, गाड़ी फिसलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास चैन ना हो तो गाड़ी फिसल सकती है। तो यहाँ पर मुकामी लोगों के पास भी चैन होते हैं, वो आपको लगाते हैं, तकरीबन 500 रुपये लेते हैं यहाँ पर आपको गाड़ी को चैन लगाते हैं, तो फिर आपका सफ़र आसान हो जाता है। यहाँ पर KP पुलिस भी मौजूद है, यहाँ जवान मौजूद है और गाड़ियों को जो है रास्ता दे रहे हैं और गाड़ियों को रवादार रखने के लिए वो काफ़ी रिजैब भी कर रहे हैं। यहाँ पर मुकामी लोग भी एक दूसरे की गाड़ी को जो है धक्का दे रहे हैं ताकि गाड़ी बआसानी यहाँ से जा सके और लोग अपना जो है ना सफ़र वो अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ अभी पुलिस जवान मौजूद है, आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी को इशारा दे रहा है। और सलाम अलैकुम सर, सर क्या कहेंगे आप इस बर्फबारी का? वैसे यहाँ पर तो गाड़ी जो है ना वो मुश्किल में होती है जब बर्फबारी होती है, तो क्या कहेंगे? गाड़ियों के लिए मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि वो चेंज लगाए, अपने लाइन में जाए, ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी न करे ताकि दूसरे लोगों के लिए भी तकलीफ न बने और खुद भी वो तकलीफ से बच जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने KV पुलिस की बात सुनी, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी कि आप लोग अपनी गाड़ियों के चैन जरूर लगाए ताकि और एक ही कतार में रहे ताकि लोगों को कोई मसला ना हो और लोग बआसानी अपनी सफ़र की तरफ जाना हो रहा दवा हो सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ये थी आज की हमारी वीडियो, और आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि YouTube चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।